हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। अब आज ये टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है चैप्टर। मतलब मैंने भी मेरी टीम के साथ डिस्कस किया कि पहले सेकंड कराऊं कि थर्ड कराऊं, फिर उन्होंने कहा दोनों ही करा दो यार। पॉइंट ऐसा हो गया, मैं बताता हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। अब नॉर्मल टर्म्स में चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड के बाद में पढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर सेकंड बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। बट आपकी बुक ने इसको पहले दिया तो हम पहले पढ़ा रहे हैं। बट मुझे पता है कि शायद कुछ स्कूल्स में चैप्टर नंबर थ्री पहले पढ़ा रहे होंगे, इसलिए मैं चैप्टर नंबर टू और थ्री के वीडियो साइमल्टेनियसली डालता रहूंगा, जिससे जिन बच्चों के जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो लोग वो चैप्टर्स को पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत हेल्प, बहुत मदद मिलती रहेगी। ठीक है बच्चा लोग। सो जब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की, यहां पे बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहला तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है पीएनएल अकाउंट, तीसरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चौथा कैपिटल अकाउंट, पांचवा करंट अकाउंट, और आखिरी बैलेंस शीट। कुछ स्कूल्स बच्चों से कहते हैं कि आप कैश और बैंक का अकाउंट भी बनाइए, वो भी गलत नहीं है, बनाना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं तो ये अकाउंट भी बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतने सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसलिए मैं सारे बच्चों से कहता हूं कि ये चैप्टर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं इसको 10 वीडियो तक खींच सकता हूं। एक एक सम करवाऊंगा तो मेरे को 10 वीडियोस लग जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना कंटेंट में डाल सकता हूं आपके लिए डाल के छोड़ूंगा कि आप पढ़िए यार। हर कंटेंट में डिटेल में लिखता रहूंगा इस कंटेंट में, इस वीडियो में क्या है, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है। आज वाले वीडियो में मैं पहले तो आपको फाइनल अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में हम कुछ सम्स करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को लगता है कि कॉन्सेप्ट वगैरह समझना टाइम वेस्ट है, सम्स करना टाइम यूटिलाइज करना है, तो ऐसा नहीं होता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये पढ़ाई मेरे आगे काम क्या आने वाली है, क्या जरूरत है इतने सारे अकाउंट्स बनाने की, क्या नीड है। एक ट्रेडिंग अकाउंट में सब डाल दो ना, सब एक्सपेंस एक डेबिट में डाल दो, सारी इनकम क्रेडिट में डाल दो, प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में डालो, काम खत्म हो गया। बट हम इतने अकाउंट क्यों बनाते हैं, जिससे हमें अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट मिल सके। जैसे कि यहाँ जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट एकदम प्योर ऑपरेटिंग लेवल का होता है, यानी कि एकदम डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, जो बेसिकली खाली आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करता है, जो कोर प्रॉफिट होता है। उसके बाद में जो यहाँ प्रॉफिट मिलता है जिसे नेट प्रॉफिट कहा जाता है, इस प्रॉफिट के अंदर सारे बिजनेस के ऑपरेशन के एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। इसके अंदर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट भी होता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम सारे खर्चे आ जाते हैं। इसके बाद में जो हमें मिलता है यहाँ पे, उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। दोस्तों, इसके अंदर इस प्रॉफिट को जो हमने कमाया है वो प्रॉफिट को कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे पार्टनर्स के अंदर, वो यहाँ दिखाया जाता है। उसके बाद में दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट। अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है हमें दो बनाना पड़ता है, अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है एक ही अकाउंट बनाते हैं, और फाइनली बनती है बैलेंस शीट। अब मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, तो मुझसे ये मत सीखेगा कि मैं कैसे सम को सॉल्व करता हूं, मुझसे ये सीखेगा कि मैं सम को कैसे स्टार्ट करता हूं। आप किस तरीके से सम को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो आपको गजब कॉन्फिडेंस दे देगा, आप सम को एक बार में तोड़ डालेंगे अगर आपको सम को सही तरीके से अटेम्प्ट करना आ गया तो। एक कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को उठाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आपको 100% आंसर्स आ ही जाएंगे। अभी मैं आपको एक सम करवाने वाला हूं, और ये सम मैं आपको करवाने वाला हूं आपकी टेक्स्ट बुक का। तो मैं चाहूंगा आप लोग सब अपनी टेक्स्ट बुक खोल ले एक बार, जिन जिनके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है आप लोग सब अपनी टेक्स्ट बुक पे आ जाए, और हम करेंगे आज जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, इस क्वेश्चन का नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 11। सॉरी, फर्स्ट, हम सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए, मेरा थोड़ा स्क्रीन छोटा है तो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में नहीं रख पाऊंगा, तो मैं चाहूंगा आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाएं, मैं मेरे आईपैड में क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा और साथ में आपको सॉल्व करता रहूंगा। आप अपने टेक्स्ट बुक को अपने बाजू में रखिए, मैं आपको बताता रहूंगा कि किस टाइम पे कहां कहां से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और कैसे रीड कर रहा हूं। ठीक है, सो खाली आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि टुडे आई एम सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए बच्चा लोग, अभी आपका 12th स्टार्ट हुआ है, आराम से उसको एंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। मैं इतने सारे टॉपिक डालने वाला हूँ, इतने सारे सम्स डालने वाला हूँ, आपको इतनी वर्कशीट देने वाला हूँ। जिन लोगों ने पेड कोर्सेज लिए उनका तो मैं पेड भर दूंगा पूरा का पूरा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। राइट, आप खाली मेरे साथ जुड़े रहिए,
हम बनते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, हम अभी बहुत कंटेंट बनाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे भी टेक्निकल ग्लिंचेस आ रहे हैं ऐप को लेके, वेबसाइट को लेके, बट हम धीरे धीरे सब चीजों से फाइट करके आप तक कंटेंट को डिलीवर करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, राइट। सो आज मैं आपको ये चैप्टर के सबसे पहले सम से करवा रहा हूँ। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, प्लीज लुक एट द एटीट्यूड, द वे आई एम स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वाइब के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपको आंसर्स आने ही आने हैं। तो चलिए मैं आज एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, और जैसे कि मैंने कहा मैं क्वेश्चन मेरे आईपैड से देखूंगा, आप लोग क्वेश्चन अपने टेक्सटबुक से देखेंगे, तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको यहां से बंद कर रहा हूं, और यहां मेरे सामने रहेगा ये पूरा का पूरा ब्लैकबोर्ड, मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। सो मैं पढ़ रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो क्वेश्चन है राम एंड श्याम का, और यहां पे सबसे पहले हमें पढ़ना होता है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन या आप ये समझो कि आपको बनाना क्या वो ढूंढ लो। यहां पे क्वेश्चन में सीधा दे दिया है प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म, हमें बनाना है फर्म के एनुअल अकाउंट्स। तो चलिए एनुअल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, एनुअल अकाउंट्स में आएगा ट्रेडिंग, एनुअल अकाउंट्स में आएगा पीएनएल, और एनुअल अकाउंट्स में आएगा कैपिटल अकाउंट, और फाइनली बैलेंस शीट। तो हमें चारों अकाउंट बनाने हैं। ये बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार झांक लो कि बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दे रखा है कि करंट अकाउंट भी है, तो भैया बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल है, करंट नहीं है, मतलब हमें करंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले मैं फॉर्मेट रेडी करता हूं। तो यहां मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली छोटा बनाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं बना रहा हूं पीएनएल अकाउंट, ये थोड़ा बड़ा बनाना, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं इसलिए। फिर मैं बनाने जा रहा हूं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एज ऑलवेज एज आई सेड ये भी आधा रखिए चलेगा। और लास्ट हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो हमारे चार अकाउंट बन गए, अकाउंट्स यहाँ खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो बनती है उसे स्टेटमेंट कहा जाता है, दैट इज बैलेंस शीट। आखिर हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, ये हमारा स्टेटमेंट है। चलिए अब सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना वो समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के नाम लिखिए, पार्टनर का नाम है राम और श्याम, तो यहां आ जाएगा राम श्याम। मैं इनिशियल लिख रहा हूं, आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना है राम श्याम। गाइस प्रेजेंटेशन सेम वही रखना जो आपके टेक्स्ट बुक में है, बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन भगवान होता है, प्लीज प्रेजेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ओके मेरे पास स्पेस क्रंचेस है इसलिए मैं इनिशियल्स लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज पूरा मेंशन कीजिएगा किसी भी कंडीशन पे। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो यहां मैं लिख दूंगा बैलेंस बॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 80,000 और ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 70,000, हमने ओपनिंग कैपिटल लिख दिया। ओके